नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आज मैं एक यूवन का ब्लूटूथ स्पीकर को मॉडिफाई करके दिखाऊंगा। इस स्पीकर का जो मेन बोर्ड है, ये वाला बोर्ड, ये पूरा के पूरा ख़राब हो चुका है और बैटरी भी ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसको मॉडिफाई कर दूँ 6283 IC के साथ और एक ब्लूटूथ पैनल के साथ। वॉल्यूम भी लगेगा और एक ट्रांसफार्मर भी चाहिए, तो मैंने ये सब सारी जुगाड़ कर लिया है। ये जो वायर का कनेक्शन है, इसको मैंने पहले से कर दिया। येलो और रेड, ये दोनों वॉल्यूम का मिडिल से कनेक्शन किया और ब्लैक वाला को कॉमन करके ग्राउंड कर दिया। और ये जो वाइट वाला वायर है, ये पैनल से इनपुट आएगा। तो ये तार थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, तो मैंने इसको फिर से लगा लेता हूँ। अब लगा लिया सही से। ये देखो, ये जो वाइट वाला वायर है, ये मिडिल वाला जो वायर है वो ग्राउंड का है, और ये दोनों साइड का लेफ्ट और राइट का है। तो इसको जल्दी जल्दी कनेक्शन कर लेता हूँ। ये जो IC है 6283, इसको पहले हम सही से रख लेता हूँ, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले 7805 ट्रांजिस्टर को कनेक्शन करेंगे। तो हम ट्रांजिस्टर लेते हैं, रुकिए, ये ट्रांजिस्टर ले लिया। अब इसका जो वो वाला वायर टांग है, जो जिसको मैं मोड़ के रखा हूँ, वो आउटपुट का है। तो ये इनपुट प्लस प्लस वाला है, ये ग्राउंड वाला है। तो हमने ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। अब पैनल का कनेक्शन करेंगे। 5 वोल्ट जो आउटपुट जा रहा है पैनल में, उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये इधर जो देख रहे हो, ये वाला ग्राउंड का है, ये वाला वायर ग्राउंड का। तो हम ग्राउंड को कनेक्शन कर लेंगे। पहले ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। और ये वायर +5 वोल्ट का है, तो हमने ट्रांजिस्टर के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। अब वॉल्यूम को कनेक्शन करेंगे। वॉल्यूम का ये जो ब्लैक है, ये ग्राउंड का है। ये देखो, एक ग्राउंड का है, तो हमने इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ये येलो और रेड को इस आईसी का इनपुट में कनेक्शन करेंगे। ये दोनों जो इनपुट है, इसमें और एक इसमें, सही से कनेक्शन कर दिया। अब ये ब्लूटूथ पैनल का आउटपुट है, जो वॉल्यूम में आएगा। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर को हम जोड़ लेते हैं। इस IC बोर्ड में जो बीज रेक्टिफायर बना हुआ है, डायोड लगा कर, वहाँ पर हम इस पॉइंट को जोड़ लेंगे। इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है, वरना ये बार बार हट जाता है, वहाँ से उठ के उठ जाएगा। तो अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है ताकि सही पकड़ बने रहे। चलो, अब हो गया। इसका हर एक कनेक्शन हो गया। इसका जो बाकी है, वो है स्पीकर के कनेक्शन। हम स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। ये जो दो वायर है, ठीक है।
इधर हम इसको रख लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन करेंगे यहाँ पर। ये जो एयर है और ये दोनों स्पीकर का है, लेफ्ट और राइट का, एक इधर का एक इधर का, ये दोनों साइड का दो एयर है, इसमें दो स्पीकर लगी हुई है। तो हम दोनों स्पीकर को कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर जो बड़ा वाला कंडेंसर है इधर, वो कंडेंसर, और उधर एक कंडेंसर है। तो कंडेंसर के एक टांग में रेड वायर, अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है। तो कंडेंसर के टांग में एक, और ब्लैक वाला ग्राउंड में ऐसे जोड़ देना है, सही से जोड़ना है। और ग्राउंड में एक ऐसे ही उधर के हम जोड़ लेंगे, अच्छी तरह से जोड़ लिया। अब इस स्पीकर को हम कनेक्शन करेंगे। तो इस स्पीकर को हम कनेक्ट करते हैं, वो जो कंडेंसर का लेग है उसमें एक रेड वायर लगा दिया, और ब्लैक वाले को हम ग्राउंड में लगा देते हैं। इसको ग्राउंड में लगा दिया ब्लैक वाला को। पाखा चलो अब कनेक्शन पूरी हो गई। ये देखो जो कंडेंसर के ये स्पीकर वाला आउटपुट इधर से दो नंबर से आ रहा है, दो नंबर पिन से और आईसी का दो नंबर, और इधर से देखो ये तीन नंबर पिन से आ रहा है, जिधर से प्लस शुरू होता है आईसी का उधर से तीन नंबर, और जिधर खत्म होता है आईसी का पिन उधर से दो नंबर से स्पीकर का पॉइंट आउटपुट होता है। तो हम इसको चलाएंगे, इसको सही से देख लेते हैं। ये देखो ये जो वायर है बहुत ही जल्दी छूट जाता है, दो वायर छूट गया है, मैं बाद में सोल्डिंग कर लूँगा इसको। इस आईसी बोर्ड को हम उधर रख लेंगे अंदर, और इस ट्रांसफार्मर को भी को भी हम अंदर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ही इसको अंदर रखेंगे। तो हम पहले टेस्टिंग करेंगे, तो इसलिए ट्रांसफार्मर को बाहर ही रखेंगे, बाहर रख के टेस्ट करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मुझे भी फिर से निकलना पड़ेगा, निकल के फिर से और फिर अभी काम करना पड़ेगा। तो हम अभी बाहर रखते हैं, बाहर रख के टेस्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा और मस्त साउंड होने वाला है। इधर देखो ये वाइट वाला वायर टूट गया है, तो इसको हम फिर से सोल्डिंग करेंगे। इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। और एक देखो ये और एक छूट गया। अरे क्या करे यार, ऐसे तो काम ही नहीं हो पाएगा। इसको भी जोड़ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम फिर से वीडियो बनाने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा, वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादातर क्या हो। টাওয়ার নিয়ে কোথায় নামিয়ে দিয়েছি, चलो हम इस नट को पहले लगा लेते हैं, फिर भले हमको इधर फिक्स्ड करने के लिए फिक्स्ड कर दिया।
ये सभी को स्क्रूप से लगा देना है। ये तो वुड है ना, वुड में स्क्रूप बहुत अच्छी से टाइट हो जाएगा। तो हम अभी टेस्टिंग करेंगे तो स्क्रूप नहीं लगाएंगे। तो हम चेक करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक का वायर लेके आते हैं। इसको लगा के हम चेक करेंगे, कोई गाना नहीं चलाएंगे क्योंकि गाना चलाने से क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम। तो हम कोई सॉन्ग नहीं प्ले करेंगे, ऐसे ही ऑन करके छोड़ देंगे। FM mode.